मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे उस साथी जो हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनकी जीवन लीला में प्रकाश डालते हुए आपको और इस जिले में डेरा के अंदर जगदीश जी से कोई व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है, न वो कोई पहचान के बाशिंदे थे। हर व्यक्ति उनको जानते थे, हर जिले में उनको जानते थे, न कि हम फुलेरा में काम करते थे। जयपुर जो है बहुत ही बोहड़ा है और इस जिले पे बाहर के जो लोग आकर के चरागा समझ करके जिस तरीके से कब्जा किया, अपने एक आंदोलन के रूप में इनको खदेड़ने का काम करें। हमारे बीच में तय हुआ कि ये कोरोना काल चल रहा है, इसको समाप्त होने के बाद में जयपुर जिले के अंदर एक विकल्प बजाएंगे, युवाओं को साथ मिलेंगे और युवाओं के भविष्य के लिए अपने को त्याग और तपस्या करना होगा। कटरिया साहब ने बोला सुबह का नाश्ता मेरे शोरूम पे होगा और इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे पता नहीं विद्याध्याय का लेख क्या था और आज वो जगदीश कटरिया जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूँ सामने विराजमान सारे इन सरदारों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज इसके पुण्य तिथि पे कटरिया जी के उसके सपनों को साकार करने के लिए कुछ ही दिनों में, या अभी हमारे चर्चा चल रही थी भाई पहला नोटा या मास जो भी तय, इस मान शक्ति मान इतने बड़े ने जो किसान नेता है उनका जो काम किया फुलेरा के अंदर जगदीश जी से कोई व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है, न वो कोई पहचान के बाशिंदे थे, हर व्यक्ति उनको जानते थे, हर जिले में उनको जानते थे, न कि हम फुलेरा में काम करते थे, दोनों साथी पूरे जयपुर जिले में घूमते थे। आज हम इकट्ठे पड़ गए, मैं आपसे आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ, आपसे सहयोग चाहता हूँ कि इनके सहयोग करके हमारे साथ मिलकर के हमारे बीच नए हैं, हम उनमें साथी थे, हमारा सपनों को साकार करने के लिए आप सब हाथ खड़ा करके एक विश्वास दिलाइए और एक आवाज दिल्ली तक जाके पहुंचे कि आज जयपुर जिले के लोग चरागाह नहीं है। लिस्ट होती है तो सात से ज्यादा संख्या होती है जयपुर जिले की। आज मैं उन्हें आपका आभार प्रकट करता हूँ, आप इस पुण्यतिथि पे सब शामिल हुए, यही सच्ची श्रद्धांजलि जगदीश जी कटरिया जी को। और आगामी जो भी हम बैठ के जो चुनिंदे लोग हम बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ के जो तय करें उस काम को आपको बढ़ाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब।